हेलो मैम, मेरी आवाज आ हेलो रही है आपको? हेलो। हेलो जी। हाँ जी मैम, आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा अपने फेस से ना दूर रखिए। हाँ, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, अब हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो मैं अब शुरू कर रही हूँ आपसे। आप मुझे सबसे पहले, आई एम वेलकमिंग यू, तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर हाँ, मेरा मेरा नाम नाम देवजानी देवजानी पॉल है। जी। मैं 64 एज का हूँ। मैं गुवाहाटी, आसाम गुवाहाटी से बोल रही हूँ। हाँ जी, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आपको डायबिटीज कितने टाइम से है? मेरा डायबिटीज 10 साल से है। 10 सालों से। आप दवाइयों पे हैं या इंसुलिन पे हैं? दवाई और इंसुलिन दोनों पे ही है। दोनों चीज चल रही है। आप ये बताइए कि आप दवाई और इंसुलिन दोनों एक साथ 10 सालों से खा रहे हैं या इंसुलिन बाद में शुरू किया आपने? इंसुलिन बाद में शुरू किया, पहले दवाई खाते थे। ठीक इंसुलिन याद नहीं पूरा, तो होगा 5-6 साल। 5-6 साल से होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी जो शुगर लेवल है, दवा हमारा जो श्रेयास हॉस्पिटल में आने से पहले आपका फास्टिंग ब्लड शुगर और पीपी कितना रहता था, खाने के बाद वाला ब्लड शुगर? फास्टिंग रहता था कभी 140 का ऊपर, अच्छा, और खाने के बाद और वाला? खाने के बाद पीपी रहता था 200 हो जाता है। 200 से कभी ज्यादा होता है, कभी 200 से कम होता है, लेकिन अच्छा, 200 से ज्यादा हो जाता है। तो इंसुलिन आप कितना ले रहे थे और कितनी बार ले रहे थे? इंसुलिन दिन में मैं एक बार ही लेती हूँ, 24 यूनिट लेती थी पहले। आपका जी दवाई खाने के बाद, शासन जीवनी के दवाई 1 महीना लिया, लेने जी के बाद अभी मैं 22 यूनिट ले रही हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आपने जब हमारी दवाई शुरू की तो आपका शुगर कितना ड्रॉप हुआ? मतलब अगर आपने अपना टेस्ट किया होगा, कब लास्ट टेस्ट आपने कब किया है अपना? पिछले हफ्ता मैं लास्ट टेस्ट किया, तब ठीक है, मेरा फास्टिंग था 100, इसके पहले भी किया था, तो 102 से 105 तक रहता था। छ अच्छा, नहीं हुआ, 106 नहीं, नहीं हुआ। अच्छा। और खाने के बाद हाँ, वाला खाने कितना? के बाद वाला अभी दो दो हफ्ता पिछले 2 हफ्ता से मेरे पीपी रहता था 115, 116 ऐसे। ऐसे रहता था। तो आपने फिर अपनी इंसुलिन की यूनिट कम कर दी है ना? हाँ, मैं इंसुलिन के यूनिट कम करके 22 ले रही हूँ। अभी 22 कर दिया आपने। आपको हमारी श्रेयास हॉस्पिटल से दवाई लेते हुए कितना समय हुआ है? 1 महीना हुआ। 1 महीना ओके, पहले मैं आपसे दवाई लेती थी। अच्छा, ठीक है। तो 1 महीने के अंदर ही आपके शुगर लेवल भी कम हुए हैं और आपकी इंसुलिन भी कम हुई हाँ है जी। ना? आप मुझे ये बताइए कि आपको श्रेयास हॉस्पिटल के बारे में कैसे पता चला? मेरे को पता नहीं चला था, पहले मेरे हस्बैंड ने सोचा था कि हम दोनों ही जाएंगे आपको हॉस्पिटल में। जी जी बाद में उनको मोबाइल नंबर मिल गया, तो आप लोगों से बातचीत किया, तो जी उनका 39 का प्रॉब्लम था। जी 1 महीना बाद बाद चेक करने से उनको 39 बढ़ते ही जा रहा था, तो अच्छा इसीलिए ज्यादा नहीं लेकिन लेवल से बढ़ा, तो जी, इसलिए उन्होंने आपसे कांटेक्ट करके आपसे आप लोगों से दवाई लिया। और जी खाने के बाद 15 दिन के बाद कमती हुआ, फिर कम 15 दिन के लेना शुरू किया। वो हाँ जी परसों शायद खत्म हो गया था, तो जी सुबह उसमें भी थोड़ा कम आता है। ठीक है। तो आपको अपने हस्बैंड का रिजल्ट्स आपने देखे तो उन्होंने फिर इसीलिए आपने, अच्छा, हाँ जी हाँ तो जी आपने डायबिटीज के लिए श्रेयाज हॉस्पिटल को कांटेक्ट किया है हाँ ना? जी हाँ चलिए, जी बहुत अच्छी बात है। तो आपका जो शुगर लेवल है वो कम हुआ है। आप मुझे बताइए आपको श्रेयाज हॉस्पिटल से क्या क्या मिला है? मतलब आपने जब अपने आप को एनरोल किया तो दवाइयां आई हैं इसके साथ में, और भी कुछ डाइट्स वगैरह दवाई, मिले? हाँ दवाई के साथ डाइट चार्ट भी आया था, वो व्हाट्सएप में भेज दिया था, तो हाँ जी, वो फॉलो कर रही हूँ मैं। अच्छा, तो डाइट चार्ट इजी टू फॉलो है, कोई आपको दिक्कत तो नहीं हुई उसे फॉलो नहीं, कोई करने में? दिक्कत नहीं, समझ नहीं में आई नहीं। हाँ आसानी से हाँ चीजें? हाँ जी ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपने अभी 1 ही महीने में आपकी शुगर लेवल कंट्रोल भी हुई और आपको इंसुलिन भी कम हुए हैं। आगे आने वाले टाइम में हम होप कर रहे हैं कि आपके जो टेस्ट हैं वो और भी अच्छे आए और आपकी इंसुलिन और कम हो। आई विल एडवाइज यू कि आप, हाँ जी मैं भी चाहती हूँ कि मैं मेरे इंसुलिन छोड़ जाए।
और कुछ इंसुलिन छूट जाए। जी 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 ठीक है, आप डाइट फॉलो कीजिए, मेडिसिन फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स और भी ज्यादा मिलेंगे। आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको टेस्ट जो है आपके फास्टिंग और बीपी तो आप करवाते ही हैं, HbA1c भी करवाइए आप, ठीक है? ओके ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, वेलकम, बाय।